हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि एक्सरसाइज मैथ में जो हम लोग अभी चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 में हमारा जो तीसरा क्वेश्चन को आज हम लोग हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ये काफी प्रॉब्लम होता है बच्चे को इस क्वेश्चन को हैंडल करने में। बच्चा बहुत कंफ्यूज आ जाता है ना, बहुत कंफ्यूज आ जाता है कि क्या करना है। तो समीकरण यहाँ पे दे दिया जाता है, कहता है इसका मूल ज्ञात करें। तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तभी होती है जब इसका कैलकुलेशन ठीक नहीं होता, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और कैलकुलेशन आपका टाइट होना चाहिए। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको बस बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। किस तरह बनाना है देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बनाना कैसे है। देखिए क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि आपने द्विघात समीकरण के रूप में पहले इसको लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें पहले इस रूप में लिखना है, बस समझना है, द्विघात मूलक रूप में। द्विघात समीकरण का एक मूलक रूप है, ये मूलक रूप में सबसे पहले समीकरण को तोड़ना है। जब तक आप इस मूलक रूप को इस समीकरण को इस रूप में नहीं तोड़िएगा, तब तक आपको कंफ्यूजन रह ही जाएगी जब तक इसको नहीं तोड़िएगा। अब इसको इस तरह कैसे तोड़ना है यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में अगर आए तो आप क्वेश्चन इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। हम जानते हैं, सभी बंदा जानता है कि किसी संख्या के पीछे क्या होता है, वन होता है। नीचे क्या होता है, वन होता है। एंड किसी चर के पीछे क्या होता है, एक होता है। और किसी संख्या के पीछे प्लस होता है, ये सब तो जानते हैं भाई, क्योंकि ये चीज बेसिक कंसेप्ट है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक्स डिवाइड बाय वन लिख देता हूँ, माइनस वन डिवाइड बाय एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू थ्री लिख हुआ। इसके नीचे क्या बोल रहे, वन है, है ना, मैंने मान लिया। मैं क्या करता हूँ कि बट्टा बटा घटाव करता है, इस एक्स को पहले इस एक्स से गुना करता हूँ। तो भाई इस एक्स को इस एक्स से गुना करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, इस वन को इस वन से गुना करता तो माइनस वन है कि नहीं। एंड डिवाइडेड बाय इस एक्स को इस वन से गुना किया तो यहाँ पे हो गया एक्स। मैंने यहाँ पे बट्टा बटा घटाव किया हूँ, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे मेरा बराबर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे मेरा बराबर बचा हुआ थ्री डिवाइडेड बाय वन बचा हुआ है कि नहीं जी। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि जब इक्वल टू का होता है तो क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस गुना कर देता है ना, है ना, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जी। तो यहाँ पे क्या करना है, इस एक्स को इस थ्री से गुना करना है, इस वन को इस सभी से गुना करना है यहाँ से। तो वन से गुना करोगे तो कोई इफेक्ट पहुंचने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कुछ तो होगा नहीं। तो ज्यो का त्यों उतर जाएगा, तो इसको गुना करेंगे वन से, तो ये ज्यो का त्यों एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हो गया। एंड इस एक्स को थ्री से गुना करो तो बराबर क्या जाएगा बाबू, मेरा हो जाएगा थ्री एक्स, होगा कि नहीं। चलो ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस थ्री को इधर उठा देगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको उठाते हैं जब प्लस में है ना, ये क्या है प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, तो माइनस थ्री एक्स, ये माइनस वन है तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो ये कौन सा रूप में आ गया, मेरा ये रूप में आ गया, आया ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो है इस रूप में आ गया है तो अब आपको इसको किसी भी तरीके से तोड़ दो, गुणनखंड विधि से तोड़ो, पुनर्वर्ग विधि से तोड़ो, या फिर द्विघात सूत्र विधि से तोड़ो, जैसा तोड़ना आपको तोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं ये तीनों चीज बता चुका हूं कि आप किस तरह से द्विघात सूत्र से बना सकते हैं, बहुपद यानी गुणनखंड विधि से बना सकते हैं और पुनर्वर्ग विधि से बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर चुका, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाके वीडियो देख ले, लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इसे क्या करता हूँ कि द्विघात सूत्र विधि से तोड़ता हूँ, क्योंकि मैं कल की क्लास में मैंने उसका स्टडी करा दिया था, बच्चा को प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं इसको स्टडी करा ही दिया था। जो मैं एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण किस तरह हल करता है, पहला क्वेश्चन था पुनर्वर्ग विधि से। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ जो मेरा आया है ना, ये मेरा हो गया, यही हमने भी क्या इसको सोल्व किए। बोल हम पहले आपको बताए थे कि इसके पीछे क्या होता है, एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। तो इसका मतलब ये मेरा हो गया ए, है ना, तो ए बराबर हो गया वन। एंड यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये हो गया माइनस थ्री। एंड ये सी क्या हो जाएगा, माइनस वन। देखिए आपको अगर ये कंफ्यूजन लग रही है तो आप जाकर जरूर वीडियो देख ले, हम पहले बता रहे वीडियो जाकर जरूर देख ले, कंफ्यूजन दूर, मैं इसको कल कंफ्यूजन को दूर किया हूं, ये क्या है, ए कहा है, बी क्या है, सी क्या है, सारा चीज को कंफ्यूजन को दूर किया हूं। तो आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा पता नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड पता बिल्कुल भी नहीं है तो जाके वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो। एंड यहाँ पे आगे देखो हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम पहले ही बताए थे बी बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर क्या होता है, बी बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जानते हैं ना, ये विवेचक का फॉर्मूला होता है या विवेकांतर बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग काफी डिस्कशन कर चुके हैं। तो बाबू यहाँ पे आप बताओ कि बी का मान यहाँ पे क्या है मेरा, ये माइनस थ्री, तो चलो माइनस थ्री को होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस फोर जीरो का क्यों लिखना है, ठीक है, गुना ए क्या है, ए का जो मान है यहाँ पे मेरा क्या वन है, तो इसके जगह पे हम वन रखेंगे, क्लियर है।
एंड यहाँ पे सी भी होगा, सी का मान क्या माइनस वन है तो गुना क्या कर देंगे माइनस वन, क्लियर है। एंड यहाँ पे आगे देखो आप क्या करना है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना होगा नाइन होगा, सभी को पता है तो ये हो गया नौ, क्लियर है। एंड ये माइनस हो गया प्लस, अब फोर को वन से गुना कर दो तो वन फोर एन होगा, है कि नहीं। चलो अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ लो तो कितना हो गया, ये हो गया तेरह, तो डी बराबर क्या हो गया बोरे तेरह। अब हम लोग फिर से अब क्या जानते हैं, अब यहां पर लिखेंगे, यहां पर एक स्टेप लिख देता हूं, अब एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई टू ए। हम लोग ये भी फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, करते हैं ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है कि नहीं, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके भाई, हम पहले बता रहे। इसको मैं गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकता था, लेकिन मैं इस विधि से इसलिए तोड़ रहा हूँ कि आपको रिवाइज ज्यादा हो, है ना। आप गुणनखंड विधि में पहले ही मैं बहुत रिवाइज करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसका रिवाइजिंग करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे बनाने का। इसको बस तोड़ना है यार, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये एक्स अब यहाँ पे क्या बी है ना, बी है तो बी का मान कितना बोल रहे माइनस थ्री, और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ इज इक्वल टू करके माइनस को बाहर वाला माइनस को लिख लेता हूँ पहले। एंड ये बी का जो मान है वो माइनस थ्री है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस थ्री लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। एंड यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दोनों लिखना है, ठीक है। एंड डी का मान मेरा कितना निकला बाबू, तेरह। डी का मान क्या निकला तेरह, तो रूट में अंदर क्या जाएगा तेरह, तो रूट में क्या जाएगा तेरह। ये डी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये डी है, क्लियर है। एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ ध्यान दो यहाँ पे टू और ए है, तो टू गुना ए का मान कितना बाबू, ए का मान वन है तो वन रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक हो गया प्लस माइनस, इसमें दो को चिन्ह है रूट अंडर थ्री सॉरी तेरह एंड टू गुना टू, टू गुना एंड टू, टू वन जा क्या होता है टू ही होता है ना, तो दो से वन को गुना करो दो ही होगा। अब यहाँ पे तो कुछ होगा ऐसा कैलकुलेशन होने वाला है, एगो प्लस में लिख दो एगो माइनस होता है, एक्स बराबर लिख दो एगो प्लस में, एगो लिख दो प्लस में डिवाइड टू, एगो लिख दो माइनस में, ये मेरा हो गया आंसर। तो बस इसी तरीके से हमको इसमें क्या था मूल ज्ञात करना था, क्योंकि मेरा यहाँ पे मूल ज्ञात हो गया। देखो कभी कभी क्या होगा कि समीकरण इसी टाइप से दिया रहेगा और आपको कहेगा मूल ज्ञात करने को, तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बारीकी से कैलकुलेशन करना है, हम पहले बताए सबसे पहले कैलकुलेशन करके हमें इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इस फॉर्म में हर हालत में इस फॉर्म में किसी भी तरीके से ले आना है। जैसे ही इस फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद वहां से काम क्रिया स्टार्ट करना है, आपको कुछ कुछ विधि बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन में बोल दे डायरेक्ट समीकरण को द्विघात द्विघात मतलब गुणनखंड विधि से बनाया, पूर्ण वर्ग विधि से बनाया या फिर द्विघात सूत्र विधि, ऐसा कुछ बोल दे कंडीशन लगा तो आपको उसी विधि से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन ना लगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो विधि से चाहे वो विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सीधा लिखा हुआ था कि तीसरा जो क्वेश्चन था मेरा सीधा लिखा हुआ था कि निम्नलिखित समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए, मेरे को मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना तो मैं जो भी विधि से बनाऊ आपको तो मूल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे मूल दे दिया, क्लियर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। अगर कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको पहला क्वेश्चन को नोट करना है इसे नोट कर सकते हो। अब आइए यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करोगे वरना समझ में नहीं आएगी। देखिए आपका मतलब जैसा क्वेश्चन है, हम पहले बता रहे इस टाइप में समीकरण जैसा भी दिया है, सबसे पहले आपको समीकरण को किस रूप में लाना है, हमें लाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, हमको हर हालत में किसी भी समीकरण को इस रूप में पहले लाना है। इस रूप में आ गया उसके बाद फिर अपना खेल है वहां पे, तीनों विधि में से किसी एक विधि का इस्तेमाल करो और समीकरण का मूल ज्ञात कर लो। तो चलो गुवार आप क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले हल, है कि नहीं। हल लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट को मैं इस वाला पॉइंट से गुना करता हूँ और ये वाला पॉइंट को इस वाले पॉइंट से गुना करता हूँ, ठीक है। तो कैसे देखो, मैं x माइनस सेवन को वन से गुना करूंगा पहले, यहाँ पे सेम टू सेम x माइनस सेवन, क्लियर है। एंड माइनस इस वाले पॉइंट को x प्लस फोर को पहले मैं इस वन से गुना करूंगा, क्लियर है। तो चलो गुना करो, तो ब्रैकेट में लेकर के तो x प्लस फोर, क्लियर है जी। अब यहां देखो, अब डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से पहले उसके बाद गुना करूंगा, है ना। यहाँ पे बढ़ता रहेगा, जोड़ चल रहा है या घटाव चल रहा है, जिस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं काफी आसान तरीके से ये बता रहा हूँ। अगर इस तरह करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो वो उसके बाद क्या है मेरा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, क्लियर है, हो गया समझ में आई। देखो मैं पहले इसको इस बंदे से गुना किया, तो वन से गुना करोगे तो जो वन में रह जाएगा, जो कहते हैं उसके बाद मैं इसको इस बंदे से गुना किया, क्लियर है। उसके बाद में इसको इस बंदे से गुना कर दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्म आ गया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो क्या करना है, और उसके बाद बराबर जो मेरा वो ले लेना है कितना 11 बट्टा 30 ले लिए, इसको भी साथ में लेके चलना क्योंकि यही मेरा आगे काम आने वाला है।
अब यहाँ ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ इसको पहले इसके अंदर वाले पॉइंट से गुणा कर दो, इसको पहले जीरो का तो लिख लेता हूं। तो वो क्या लिखना है, इसको x माइनस सेवन है ना इंटू एंड यहाँ पे x प्लस, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ब्रैकेट से जस्ट बाहर निकालोगे गड़बड़ा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को पहले इस पूरे पॉइंट से गुणा करता हूँ, है ना, आपको पता होगा ये तो गुणा करना आता ही होगा भाई, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस एक्स को इस एक्स से गुणा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इस एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, अब फिर इसी एक्स को मैं इस सेवन से गुणा करता हूँ तो माइनस सेवन है, तो एक्स को गुणा किया माइनस सेवन से तो माइनस सेवन एक्स होगा कि नहीं। चलो अब यहां देख दो, इस फोर को प्लस फोर है, प्लस फोर को फिर अब एक्स से गुना करना है, इसी एक्स से, ठीक है। तो क्या करना है, फोर को गुना करो एक्स से तो प्लस फोर एक्स, क्लियर है, एंड फिर इस फोर को फिर सेवन से गुना करो तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो सेवन से सात सात चौके कितना आ जाएगा अट्ठाईस, तो यहां पे हो गया अट्ठाईस इज इक्वल टू क्या मेरा बाबू रे ग्यारह बटा तीस, क्लियर है। चलो अब यहां पर बारीकी से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। अब क्या करना है यहां पर मेरे को क्या करना है कि एक्स माइनस सेवन, अब इस माइनस को क्या करना अंदर से गुना कर दो, क्योंकि माइनस है ना, इसके अंदर वाले पॉइंट से गुना होगा, जैसे जैसे ही बाहर ब्रैकेट हटेगा, ये ब्रैकेट जैसे हटेगा तो वैसे क्या होगा, इसके पॉइंट से गुना कर लेंगे, तो क्या करना माइनस एक्स और ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस फोर, क्लियर है, डिवाइडेड बाय। अब यहां ध्यान दो कि इससे इससे क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता बाबू मेरा, माइनस होता तो घटा देंगे, तो पहले हम इस पॉइंट को लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एंड आगे देखिए माइनस सेवन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब सेवन में से फोर जाएगा कितना बचेगा मेरा, तो यहाँ पे माइनस वाला बड़ा संख्या, इसका आंसर मेरा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री एक्स, है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए, माइनस में अगर बड़ा संख्या होता है और छोटा संख्या घटाया जाता है, प्लस वाला छोटा संख्या होगा घटेगा तो आंसर माइनस में होगा, और अगर माइनस में छोटा संख्या हो प्लस में बड़ा संख्या हो तो घटेगा तो आंसर प्लस में होगा, ये तो चीज आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। एंड यहाँ पे मेरा बच्चा माइनस अट्ठाईस, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या बच्चा मेरा बाबू रे ग्यारह बट्टा तीस, क्लियर है। अब क्या करना है, यहां ध्यान दीजिए, अब मेरे को क्या करना है, इसमें अब हम घटा जोड़ करते हैं, ठीक है, तो ये x प्लस माइनस में और ये प्लस में, इसको फुस कर दो, है कि नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, तो कैंसिल खत्म, चलो कहानी खत्म। अब यहां माइनस माइनस क्या होगा बाबू रे, मेरा प्लस होगा, तो चलो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी तो जोड़ देंगे तो माइनस प्लस, तो यहां पर जोड़ देंगे तो माइनस कितना होगा सात चार ग्यारह, क्लियर है, डिवाइडेड बाय। अब यहां ध्यान दो, इस x को गुणा कर दो x, पहले मैं इस जीरो का त्यों लिख लेता हूं ये वाला को, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ग्यारह बट्टा तीस, क्लियर है। चलो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते रहोगे तभी आपको समझ में आने वाली है। अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से गुना करता हूं, तो आप देखोगे कि इज इक्वल टू के तभी ये ग्यारह कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं कैंसिल, दिखाई पा रहा है ना इज इक्वल टू, क्योंकि ये अगर इसके ग्यारह के नीचे चला जाएगा तो ग्यारह से कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसको कैंसिल कर सकते हो, कर दो। तो अब कैसे करो यार, अरे देखो मैं क्या करता हूँ, इस ग्यारह को उठाकर इधर लेके जाता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करूँ गुना कर देता हूँ, ठीक है, गुना कर दो, अरे यार इसको ग्यारह को नीचे उठा कर लेके जाओगे ना तो ग्यारह बटा गुने तीस गुने ग्यारह होगा ना, तो एक वैसे ग्यारह ग्यारह ऊपर से कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं समझ आ रही है। देखो मैं क्या करता हूँ, इस वन को यहाँ पे वन लिखता हूँ और नीचे वाला पॉइंट जो कहते हो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 28 is equal to, ऊपर था मेरा 11, यहाँ पे मैं माइनस को ऐसे छोड़ दिया, तो माइनस को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, एंड यहाँ ध्यान दीजिए, ये हुआ 30, और इस 11 को ना मैं इसके 30 के साथ ले आया, अब बात समझ में आई, बात समझ आई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इज इक्वल टू रहेगा ना, तो इसके उससे ऊपर सुगुना, ऊपर वाले को ऊपर सुगुना कर सकते हो, नीचे वाले को नीचे से, मतलब नीचे वाले को ऊपर इससे इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अरे भाई कैसे, अरे याद है वन वट्टा एक्स है, अब बराबर मान लिया वन वट्टा फोर है, तो इस एक्स को इस फोर से गुना, वन से गुना करेंगे, इस वन को इस फोर से गुना करेंगे, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा फोर, होगा कि नहीं, वैसे ही यार, तो इस ग्यारह को अब इस ग्यारह से ग्यारह फुट कैंसिल, तो मेरा बचेगा क्या माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत है, आप जैसे कैलकुलेशन करें बस आपको मेरे ये फॉर्म में लाना है, ठीक है, इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय बच गया तीस, तीस को इससे गुना करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 30 को माइनस वन से गुना कर सकते, पहले इसको इससे गुना कर दो, तो जो कहते हो कि ये पूरे को वन से गुना कर दो तो कोई इफेक्ट पहुंचने वाला है, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट है ना, अब उसके इज इक्वल टू इस 30 को माइनस वन से गुना करोगे तो माइनस 30 होगा कि नहीं, जी आराम से होगा यार, इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो मेरे को कॉमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्लस 30 माइनस 30 को इधर लेके आओ,
यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 28, आगे माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको इससे घटा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, देखो अगर 28 को देखिए माइनस माइनस में छोटा संख्या है प्लस में बड़ा संख्या है, इसका मतलब क्या होगा अगर हम इसको घटाते हैं तो आंसर में पॉजिटिव मिला आएगा, तो यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 2 बचेगा, कितना बचेगा बाबू मेरा प्लस में 2 बचेगा। इससे हो गया ये मेरा आगे इस फॉर्म में देखो एक्स स्क्वायर है, ये देखो ए एक्स स्क्वायर है, एक्स है बी एक्स है तो थ्री एक्स है, अब यहाँ पे कभी माइनस, अरे माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी आ सकता है प्लस भी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये फॉर्म में आ गया, अब आप यहाँ पे इस चीज को किसी भी मेथड से हल कर दो, या गुणनखंड विधि से हल करो या फिर द्विघात सूत्र से हल करो या फिर पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, एज अ वैसी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे अब इसको गुणनखंड विधि से हल करूंगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं गुणनखंड विधि से पहले आपको बता दिया हूँ कि इसको बीच वाले को ना फैक्टर तोड़ना होता है और इस पॉइंट इसके गुणांक को इससे गुणा करके आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे कहो यार क्या, मैं इसको ना द्विघाती समीकरण से तोड़ देता हूं वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगी, तो यार कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, तो जाके अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है द्विघात द्विघात सूत्र जो मतलब गुणनखंड जो मैं हल किया हूं तो वहां पे जाके उसका वीडियो भी देख लो। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए क्या है बाबूरे, यहाँ पे डायरेक्ट मैं हल करता हूँ, ए क्या है वन, इसके पीछे कुछ नहीं है तो वन, एंड बी क्या मेरा यहाँ पे माइनस थ्री तो माइनस थ्री, एंड सी क्या यहाँ पे टू। मैं देखता हूँ मैक ओपन है कि नहीं, हाँ मैक ओपन है, कभी कभी क्या होता है कि मैक ऑफ हो जाता है यार, एंड यहाँ ध्यान दो, तो अब यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद मैं क्या लूंगा, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं क्या जानते हो, हम जानते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ ध्यान दोगे तो भाई रे यहाँ डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का मान कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, तो चलो तो डी बराबर माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्लियर है, और यहाँ पे आ गया माइनस फोर गुना ए का मान कितना बाबू रे वन, तो लिखेंगे गुना वन, इन गुना सी का मान कितना बाबू रे टू, तो लिखेंगे टू, क्लियर है, हाँ। अब यहाँ ध्यान दो, अब माइनस थ्री को अगर स्क्वायर में हम करेंगे तो कितना होगा नौ आएगा, तो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है नौ, एंड नाइन माइनस टू को फोर से गुना करो, वन से कोई दिक्कत नहीं है, फोर एकम फोर तो टू को फोर से गुना करो, तो फोर को टू से कितना आ जाएगा एट, चलो इसको घटा दो क्या आ जाएगा वन, तो डी का मान क्या आएगा वन, क्लियर है, चलो। अब हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय टू ए, क्लियर है। अब यहां ध्यान दो, बी का मान यहां मेरे को पुट करना, तो बी का मान क्या है माइनस थ्री, और इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस को इसको बाहर रखूंगा, एक माइनस को अंदर में ब्रैकेट में रखूंगा, क्लियर है, एंड प्लस माइनस रूट डी का मान कितना बार निकला बाबू रे मेरा, डी का मान यहाँ पे वन निकला तो वन डाल दो, क्लियर है, डिवाइडेड बाय टू, ए का मान कितना बाबू रे यहाँ पे वन, तो इसको क्या कर दो वन कर दो, क्लियर है, एंड इसको यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा थ्री, यहाँ पे प्लस माइनस रूट का वन क्या होता है वन ही होता है, तो रूट से जो वन रूट को क्या करेगा रूट से जो निकलेगा वन, तो वन ही लेके निकलेगा, ठीक है, स्क्वायर वन वन का स्क्वायर वन नहीं होता है तो रूट से वो निकाल देगा, तो यहाँ पे वन निकलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे टू गुना वन आ गया। अब इसको एक प्लस में लिखना है एक माइनस में लिखना है, तो एक्स बराबर एक प्लस को पहले एक बार को जोड़ दो, तो एक बार जोड़ दोगे तो है ना फोर डिवाइड बाय टू, एंड एक बार घटा दोगे तो टू डिवाइड बाय टू, इससे काटो इसको काटो, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू मेरा दिखाई पड़ रहा है नीचे हो जाएगा इसका टू दो एक होगा वन, तो एक्स का जो मान निकला मेरा इसमें जो मेरा मूल जो निकला वो निकला एक्स बराबर क्या निकला बाबू रे टू इंटू वन, मतलब दो और वन निकला मेरा एक्स का मान, इसका मूल ज्ञात हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, इस तरीके से आपको दिमाग को धैर्य रखना होता है, बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को हल करना होता है, अगर थोड़ा सा आप हड़बड़ाते हैं माइनस प्लस में थोड़ा सा गलती करते हैं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग निकलेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, आज का कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।